प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। मैं समझता हूँ कि काफी चर्चा हो चुकी है AICC की भी, प्रदेश सरकार की भी, और हम सब ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि अब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, 22 महीने बाद चुनाव भी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब और देरी होनी चाहिए। बहुत जल्द जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उन सबको पद नहीं मिल सकते हैं, लेकिन भागीदारी, मान सम्मान, तो एक महत्व देने का काम हमारी सरकार करेगी पार्टी। देखिए, अलवर की घटना को लेकर सिख समाज विरोध जता रहा है, और उनकी और बीजेपी भी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। इससे मैं क्या कहूँगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो घटनाक्रम हुआ है, और उसकी भी जांच हो रही है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्द आरोपी पकड़े भी जाएंगे। इस प्रकार के घटनाक्रम कहीं पर किसी प्रदेश किसी समाज में होते हैं, उसको हमको बिल्कुल खंडन करना चाहिए, और खासकर बच्चियों के साथ अगर ऐसा होता है तो ये मानवता की श्रेणी के बाहर आता है। इस पर तो जितना कठोर कदम होता, सिर्फ वहाँ बुलडोजर राज है और वहाँ इनकाउंटर का राज है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इश्तिहार कुछ भी लिखवा लो, अखबार में कितना भी आप इश्तिहार दें, पोस्टर छपा लें, खरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आज भी एक भाजपा के विधायक को उसके खेत से लोगों ने भगा दिया हमारे। तो लोगों के अंदर रोष से बदलाव चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ सरकार पहले सपा की रह चुकी है, बसपा की रह चुकी है, प्रियंका जी और कांग्रेस ने हमने एक कोशिश की, एक बेहतर विकल्प देने की। अब 10 मार्च को तो परिणाम आएंगे पता पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे, उत्तराखंड पंजाब में सरकार बनाएंगे, और यूपी में लोग बदलाव चाहते हैं, और कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रही है। सर, भाजपा सपा युक्त होती जा रही है, सपा भाजपा युक्त होती जा रही है, इतना बेनिफिट कांग्रेस को मिलता है? कांग्रेस तो देखो, वहाँ पर हम सत्ता में 3 दशक से नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा, सपा बसपा की सरकारें लोग देख चुके हैं, उन सरकारों को नकार चुके हैं, भाजपा को देख चुके हैं, नकार चुके हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बेहतर, अब प्रियंका जी ने जो वादा किया था 40% टिकट महिलाओं को देने का, वो पूरा किया। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चुनाव के समय होता रहता है, लेकिन पब्लिक समझ रही है कि कौन बेहतर है, कौन और मुश्किल में कौन खड़ा रहा। इन आज सपा बसपा रैलियां कर रहे हैं, 4 साल तक सड़कों पे कौन आया? कांग्रेस के लोग जेलों में गए, हम छोटा दल हैं, फिर भी असली भूमिका विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने निभाई। किसानों के अंदर जो है, किसानों की पैरवी है किसान आंदोलन, और राजस्थान में जो है किसी भी किसान की जमीन को इस तरह नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। आदेश पहले जारी हो चुका है, दोबारा किया है, और हम सब किसान के हितेशी हैं। अगर कहीं ऐसा कोई कर्मचारी या कोई बैंक या कोई भी ऐसा काम करता है, उसको कभी नहीं होने दिया जाएगा। किसान हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति में गर्व है अपने किसान के ऊपर, उसकी मुश्किल खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी रह गया होगा उसको भी हम करेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देश और प्रदेश का किसान हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा प्रकरण जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसके निरस्ती के आदेश उसी दिन आ गए थे, तो वो सामने आ गया। और भी अगर ऐसा होगा, सर, राजनीति पूरे प्रकरण में हम किसान के साथ खड़े हैं। राजनीतिक नियुक्तियाँ अभी तक रुकी हुई हैं, कार्यकर्ता को जो सम्मान चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। आप हमेशा कहते हैं मैं कार्यकर्ता के सम्मान के लिए कर रहा हूँ, तो ये कांग्रेस आला कमान की तरफ से भी कुछ नहीं है। सवाल क्या है? राजनीति तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चर्चा हो चुकी है AICC की भी, प्रदेश सरकार की भी, और हम सब ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि अब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, 22 महीने बाद चुनाव भी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब और देरी होनी चाहिए। बहुत जल्द जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उन सबको पद नहीं मिल सकते हैं, लेकिन भागीदारी। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।